एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक शॉपिंग हॉल जिसमें आर्टिकल है H&M से लिए हुए। तो ये आर्टिकल है, निकल नहीं रहे तो मैंने अब इनको निकाल दिया और ये बैग हो गया खाली। ये है वो आर्टिकल, बहुत ही यूजफुल मुझे मेरे लिए लगे इसलिए मैंने लिए हैं, आपके साथ शेयर कर रही हूं। अगर आपको अच्छे लगेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, आप भी जाकर परचेज कर सकते हैं। ये एक इस टाइप की ड्रेस है जिसको कि मैं एज अ लॉन्ग कुर्ता यूज करने वाली हूं। नेक आप देख सकते हो किस तरीके का बना हुआ है, स्लीव्स ऐसी हैं, इस तरफ इसमें बटन लगा हुआ है और पीछे से एक बहुत बड़ा सा योक है और यहां बीच में इस तरीके से इन्होंने कपड़े को बढ़ा दिया है कि इसका फिट काफी लूज लूज आएगा और लेंथ पर से एकदम स्ट्रेट है, साइड से भी बंद है, तो इसीलिए ये ड्रेस है। लेकिन इसको चाहें शॉर्ट कुर्ता लॉन्ग कुर्ता अपनी हाइट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज करूंगी जेगिंग जीन्स किसी भी चीज के साथ। कलर इसका इस तरीके का है, एक कलर इसमें और था गोल्डन कलर, मैंने ये कलर चूज किया है क्योंकि इसके नीचे पहनने के लिए मेरे पास जेगिंग्स ऑलरेडी हैं। कपड़ा इसका टच मी नॉट टाइप का है जिसको कि आयरन करने की जरूरत नहीं होती है। मेरे पास इस तरीके के कपड़े का एक टॉप ऑलरेडी है जिस पर बिल्कुल आयरन नहीं करनी पड़ती और इस तरीके के आर्टिकल ट्रेवलिंग में बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि इसको जस्ट वॉश करो और यूज कर लो, तो इसीलिए मैंने इसको भी परचेज किया है। इसकी कॉस्ट है 999 रुपीस और अभी ये मुझे डिस्काउंट में पड़ा है 1299 रुपीस का और ये मशीन वॉश है, आयरन की इसमें जरूरत नहीं है। तो ये भी अगर देखा जाए तो इन फ्यूचर आयरन के पैसे हमारे बच जाते हैं और इसको जैसे मर्जी फोल्ड करके रख लो, रिंकल फ्री है, इसलिए ये मुझे प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। किसी भी तरीके से इसको रख लो, सबसे अच्छा प्लस पॉइंट मुझे इसका यही लगा है। तो चलिए इसको रखती हूं और अब आपको दिखाती हूं दूसरा आर्टिकल। ये एक जेगिंग है, कलर आप देख रहे हैं स्किन कलर है, लेकिन इसको लेयरिंग में भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो पजामे की तरह भी यूज कर सकते हैं और अभी विंटर्स में पहनने के लिए बहुत अच्छा है। अंदर से ये ऐसे गर्म टाइप का है और बाहर से इसकी लुक लेदर वाली है, लेकिन ये मशीन वॉश है, अगर चाहें तो हाथ से भी धो सकते हैं और काफी कंफर्टेबल है क्योंकि ऐसे कपड़े हमेशा ट्राई करके ही लेने चाहिए। लेंथ इसकी काफी अच्छी है, एंकल तक एकदम कवर कर रही है, ऊपर से पूरा फुल इलास्टिक है और इलास्टिक के साथ साथ इसकी जो नीचे की ये हिस्सा है ये भी काफी अच्छा स्ट्रेच हो रहा है, तो पहनने में बहुत कंफर्टेबल है और इसको जैसे चाहे
जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है कि मैं चाहूं तो इन दोनों को भी पेयर कर सकती हूं और ये कलर भी एक दूसरे के साथ चला जाएगा। तो इसको जिस तरीके से भी चाहें, हमारे ऊपर है कि हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट का स्टिकर इसमें नहीं है, लेकिन ये मुझे पड़ा है 899 रुपीस का। अब मैं आपको दिखा रही हूं जो आर्टिकल, ये है एक स्कर्ट। लेंथ इसकी नीज के नीचे तक जाती है। इलास्टिक इसका थोड़ा सा लूज था, लेकिन मुझे चलेगा क्योंकि इसको फिर मैं हाई वेस्ट करके भी पहन सकती हूँ। आगे से ये यहां से खुला है, लेकिन पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। और आगे जो इसका डिजाइन है, तो इस पर हम शॉर्ट टॉप यूज कर सकते हैं, जो कि मेरे पास ऑलरेडी काफी है। मैंने इसी हिसाब से इसको लिया है। इसकी कॉस्ट वैसे थी 1499 रुपीस, लेकिन मुझे ये पड़ा है 799 रुपीस का। कपड़ा इसका नायलॉन है, स्ट्रेच तो नायलॉन का बहुत अच्छा होता ही है, इसका भी वैसा ही है। कलर इसका बेज कलर है। ये कलर बहुत सारे टॉप के साथ, अपर के साथ मैं पहन सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। ऐसे ये थोड़ा सा धोती टाइप की लुक दे रहा है, तो अगर इसको चाहें तो किसी और तरीके की डिजाइनिंग खुद करके उसमें भी यूज कर सकते हैं। ये पूरा आपस में सिला हुआ है और स्ट्रेच भी होता है, तो पहनने में ये काफी कंफर्टेबल रहेगा, इसलिए मैंने ये स्कर्ट परचेज किया है। तो ये था मेरा आज का शॉपिंग हॉल, जो कि मैंने सारे आर्टिकल खरीदे हैं H&M से। वैसे तो सारा साल ही आजकल हर जगह सेल चलती है, लेकिन अभी सीजन की डिस्काउंट सेल ऑफ सीजन वाली चल रही है, क्योंकि अभी सीजन चेंज हो गया है। इसलिए इस टाइप के आर्टिकल अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इनसे अगर आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि और किसी के ये वीडियो काम आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ऐसी ही अच्छी मजेदार वीडियोस या शॉपिंग हॉल्स के अलावा और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। Thank you for watching and bye bye.